नमस्कार दोस्तों, बी आर शो में आपका स्वागत है। आज आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया ज़बरदस्त साइज़ का 250 गज में बना हुआ 4 BHK फ्लैट रेंट के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इस तरह की यूनिट्स सेल पे भी अवेलेबल हैं, बट आज की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हमारे पास रेंटल फ्लैट्स में आती है। प्रॉपर्टी का कोड यहाँ पे, अगर आप एक बहुत ज़्यादा बड़े से साइज़ का बहुत प्रीमियम लोकेशन का 4 BHK फ्लैट देख रहे थे तो एक बहुत अच्छी चॉइस हो सकती है। इसके अंदर सब कुछ बड़ा बड़ा दिखेगा आपको। ये प्रॉपर्टी लिफ्ट और कार पार्किंग के साथ में आती है, गेटेड है, गार्डेड है। यहाँ पे आपको मार्केट पास में मिल जाएगी, लोकल रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है और मेट्रो भी मात्र 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर मिल जाती है। आइए मैं आपको ये फ्लैट दिखाना शुरू करता हूँ। आशा करता हूँ ये फ्लैट आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। सुपर स्पेशियस प्रॉपर्टी अगर आप देख रहे हैं तो ये फर्स्ट चॉइस होगी आपकी। दोस्तों ये आपकी लिफ्ट जिसको लेकर आप आएंगे आपके फ्लोर पे। इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, यानी कि इंडिपेंडेंट फ्लैट, एक फ्लोर पे सिर्फ और सिर्फ आपका ही फ्लैट होगा। ये प्रॉपर्टी कॉमन रूफ राइट के साथ में आती है, यानी कि अगर आप इस प्रॉपर्टी के अंदर रूफ को एक्सेस करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल है। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको लेआउट क्या रहेगा इस प्रॉपर्टी का। 2 bedrooms पीछे की ओर मिलेंगे, 2 bedrooms सामने की ओर मिलेंगे और एक बहुत बड़ी बालकनी सामने, और पीछे भी जो शाफ्ट है उसके पीछे ओपन एरिया। तो ये प्रॉपर्टी एक तरह से क्रॉस वेंटिलेटेड है जब तक पीछे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होता है। लिविंग हॉल का अगर आप साइज़ देखते हैं तो ये शब्दों में बताना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बट बहुत ज़्यादा बड़ा है, आप इतना अंदाज़ा लगा लीजिए। फिर भी मैं मोटा मोटा काउंट करके बता देता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 5, 45, 45 feet ऐसे मिलेगा आपको। और यहाँ से यहाँ तक देखते हैं अगर आप, तो ये आपको मिलता है अप्रॉक्सीमेटली 15 से 16 feet के आसपास। ये इसके डायमेंशन है, 16 फीट ऐसे, 45 फीट ऐसे, और इसमें आप अपना जहाँ पे भी जो कुछ लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। एक बार ऊपर नज़र मार लीजिए, कोव लाइट, प्रोफाइल लाइट, फैंस, सब कुछ लगा हुआ है। अगर आप इस कॉर्नर से देखते हैं तो यहाँ पे एक टीवी पैनल है, ये आपके लिविंग हॉल के अंदर लगने का स्पेस होता है। 250 गज की प्रॉपर्टी की विशेषता ये होती है कि इसके अंदर आपका जो लिविंग अरेंजमेंट है, लिविंग हॉल अरेंजमेंट और डाइनिंग अरेंजमेंट, बहुत स्पेशियस निकल के आता है। इधर से आते हैं यहाँ पे, ये है आपका सुपर स्पेशियस किचन। अगर आप 2 या 3 pilots हैं, 2 या 3 cabin crews हैं और मिलके रहना चाहते हैं, हर बेडरूम में आपको अटैच वॉशरूम मिल ही जाएगा और इतना बड़ा किचन भी मिल जाता है, तो आप डेफिनेटली ये प्रॉपर्टी ले सकते हैं। यहाँ पे इधर से आपको वेंटिलेशन मिल जाएगा, एक बार नज़र मार लीजिए, ये वेंटिलेशन है। सिलेंडर कैरी नहीं करना पड़ेगा बिकॉज यू हैव IGL वर्किंग कंडीशन में, और सारा नीचे मॉड्यूलर स्टोरेज के साथ में मिल जाता है। हल्का सा पीछे जाते हैं, ये हमारे पहले 2 bedrooms हैं। एक बार इस बेडरूम के अंदर आ जाइए, सीधा उस पॉइंट पे आ जाइए, यहाँ से देख लीजिए। इस रूम के अंदर आपको काफ़ी बड़ा वार्डरोब मिल जाता है, 2 panels इधर, 2 panels इधर, फिर सिंगल पैनल इधर, और यहाँ पे भी काफ़ी कुछ आप रख सकते हैं, सजा सकते हैं। डायमेंशन अगर आप देखते हैं इसके, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपको मिलता है अप्रॉक्सीमेटली 11, 12, 13 feet ऐसे मिलेगा आपको, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देखते हैं तो लगभग 12 फीट के आसपास। तो काफ़ी अच्छा और काफ़ी बड़ा बेडरूम नंबर 1 है। इसमें आपको एक अटैच वॉशरूम मिलता है इस तरफ। इस वॉशरूम के अंदर भी स्पेस बहुत ज़्यादा है, लगभग 9 feet ऐसे मिलेगा और 9 feet ऐसे मिलेगा, सॉरी 6 feet ऐसे मिलेगा और 8 feet ऐसे मिलेगा। 6x8 का वॉशरूम है ये। आपका मिरर लगा हुआ है, वैनिटी है, हाथ धोने की व्यवस्था है, और कमोड की प्लेसमेंट है सही जगह पे, शार की प्लेसमेंट है सही जगह पे। गर्मियाँ आने वाली हैं, आपको इस तरह की प्रॉपर्टीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेंगी और काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। शाफ्ट भी काफ़ी बड़ी और काफ़ी अच्छी इधर प्लान्ड है, जिसके चलते रूम्स में वेंटिलेशन बहुत अच्छा मिलेगा। ये हमारा बेडरूम नंबर 2 है, डायमेंशन सिमिलर है। इसमें वार्डरोब की प्लेसमेंट कुछ इधर और इधर करी गई है। इधर आ जाइए, ये हमारा अटैच वॉशरूम है, 8 feet by 6 feet का साइज, मिरर, वैनिटी, हाथ धोने का एरिया। इधर आपको बहुत बड़ा शावर मिलता है। अगर आप एक टेस्टफुल प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो आप डेफिनेटली इस प्रॉपर्टी को कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ से हम वापस आ जाते हैं हमारे लिविंग हॉल में, और लिविंग हॉल के बाद इधर हमारा कॉमन वॉशरूम है, गेस्ट वॉशरूम। यहाँ पे ये शायद अंदर से लॉक है, अभी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ।
अब यहाँ से आप बचे हुए हमारे दोनों रूम्स को एक्सेस कर सकते हैं। इन दोनों ही रूम्स के अंदर बहुत अच्छी लाइट, बहुत बढ़िया वाइब, सब कुछ आता है। इस रूम का डायमेंशन इस तरह से अगर आप देखते हैं तो ये आपको मिलता है पूरा 12.5 फीट, और यहाँ से लेकर यहाँ तक देखते हैं तो 15 फीट, 12.5 बाय 15। एक बार ऊपर देख लीजिए, प्रोफाइल लाइट का अच्छा डिज़ाइन, फैन लगा हुआ है। एक बार उस पॉइंट पे आते हैं अगर आप, तो यहाँ पे आपको वार्डरोब की प्लेसमेंट दिख जाएगी। थोड़ा सा अगर आगे आते हैं तो ये हमारा गेस्ट वॉशरूम प्लस अटैच वॉशरूम दोनों का काम करता है। इसकी लंबाई इस तरह से 7 फीट है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 फीट है, ये इसके डायमेंशन है। यहाँ से हल्का पीछे जाते हैं, यहाँ से चलते हैं हमारे 4th बेडरूम में। ये हमारा 4th बेडरूम है सिमिलर डायमेंशन के साथ में, और इसमें आपको बेड लगा हुआ मिल जाता है, साथ ही साथ एक वार्डरोब इधर है, एक बहुत बड़ा विंडो प्लस UPVC का पैनल इधर आपको मिल जाता है, और एक अटैच वॉशरूम इस तरफ मिल जाता है। एक बार आ जाइए आगे, 8 बाय 6 के साइज में ये वाला वॉशरूम भी है। सारे वॉशरूम्स की थीम थोड़ी अलग अलग आपको दिखती है, थोड़ा अलग वाइब आपको दिखता है। दोस्तों ये जो पूरी प्रॉपर्टी थी, ये था एक 4BHK फ्लैट जिसके अंदर आपको सभी रूम्स के अंदर बहुत ही अच्छा वो मिल जाता है, प्लेसमेंट ऑफ वॉशरूम बहुत अच्छा मिल जाता है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है इस एरिया की। साइज सुपर स्पेशियस है इस प्रॉपर्टी का, कोड हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है और नंबर्स नीचे लिखे हुए हैं। इस कोड के साथ में नीचे लिखे हुए नंबरों पे इस प्रॉपर्टी की अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं, रेंटल चेक कर सकते हैं और इसे विजिट करके बुक कर सकते हैं। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई भी प्रॉपर्टी है जिससे आप रेंट आउट, सेल आउट या लीज आउट करना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे लिखे हुए नंबर्स पे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।